नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड में एक कहावत है, आषाढ़ का एक चुका किसान और डाल से चुका बंदर कभी ठिकाने नहीं लगते। कहावत का अर्थ है कि आषाढ़ में किसान चुक गया तो फिर उसे किसान सरना मुश्किल पड़ जाता है। खेती के लिहाज से यह महीना बहुत ही अहम है क्योंकि खरीफ की शुरुआत भी आषाढ़ से ही होती है। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक मानसून की झमाझम बारिश नहीं हुई। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक मानसून की झमाझम बारिश नहीं हुई, जबकि जुलाई का दो सप्ताह से ज्यादा का समय बीतने को है। ऐसे में जुताई के लिए किसानों को मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार है। किसानों की बेहतर सफलता का मुख्य दामोदार मौसम और पानी पर निर्भर है। खासकर बुंदेलखंड के जनपद महोबा में यह बात और भी अहम हो जाती है क्योंकि यह जरूरत के हिसाब से किसानों के पास सिंचाई के संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित है। जानकार कहते हैं कि कृषि का सिस्टम बिगड़ा तो अन्नदाताओं के आर्थिक ढांचे पर इसका गहरा असर पड़ता है। पिछले कई ऐसे साल गुजरे जिनमें पर्याप्त बारिश न होने से इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि किसान बारिश की आशा लगाए बैठे हैं। अगर समय पर पानी नहीं बरसा तब बुंदेलखंड में किसानों को एक बार फिर संकट का सामना करना पड़ सकता है। बुंदेलखंड की जिला महोबा की विकास खंड पनवाड़ी में धार्मिक स्थलों पर कई तरीके से धार्मिक अनुष्ठान, पाठ एवं हवन पूजन मेघ देवता को मनाने के लिए होने लगे है। बुंदेलखंड में पुरानी परंपरा के अनुसार मेघों को मनाने के लिए ग्रामीण कई तरह के उपाय करते हैं। उसी में से एक परंपरा है कि महिलाएं अपने परिवारजनों के साथ खेतों, बगीचों एवं देवस्थानों पर जाकर गकरिया बनाकर खाते हैं और पूजा अर्चना करके अपने देवताओं और इंद्र देवता को वर्षा हेतु विनय करते हैं। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले में स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा की चौथी में लगभग 4 बीघे में लगे बाग में नीम, जामुन, आम, कैद, पीपल समेत हजारों पेड़ों को काट डाला गया तथा पुलिस की मिलीभगत से 36 घंटे लगातार दो जेसीबी मशीन के माध्यम से उनकी जनों को नष्ट कर उसका नजारा बदल दिया गया। पूरी जमीन को मुरम स्थल बना दिया गया। जिस समय जेसीबी से पेड़ों की जड़ों की खुदाई व उनकी जड़ों को काट कर फेंका जा रहा था उस समय भिटी थाने की महिला स्टाफ समेत 10 पुरुष कांस्टेबल मौके पर मौजूद थे। पुलिस के सामने ही हरे भरे मैदान से पेड़ की कटान व उसकी सफाई उनकी ही मौजूदगी में हुई तथा विपक्ष के द्वारा पुलिस के लिए वहां पर कुर्सी और खटिया की व्यवस्था की गई थी, जहां से एक फोटो भी पुलिस की वायरल हो रही है जो मौके पर मौजूद होकर नाश्ता और भोजन बैठकर उस स्थान पर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस पैसा लेकर क्या क्या कार्य कर सकती है। इतनी बड़ी घटना की जानकारी पीड़ित बार बार डायल 112 समेत थाना अध्यक्ष को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हजारों पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ कर फेंक दिया गया और कुछ को काट कर बेच दिया गया। विपक्ष की एक दबन किस्म का आदमी है जिसके पास एक जेसीबी मशीन मौजूद है जिसके द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन किया जाता है और इसी जेसीबी से ही तथा एक और जेसीबी मंगाकर पूरी 4 बीघे के हरे भरे मैदान को मुरम स्थल बना दिया। चाहे एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन कर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, वहीं भिटी पुलिस हरियाली को चंद पैसों में बिकाकर अपने सामने ही साफ करवाने में सफल होगी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DFO अम्बेडकर नगर पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वयं जांच करने घटनास्थल पर पहुंच गए, साथ ही उनके साथ क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारी व अधिकारी भी गए। DFO पहुंचते ही वहां का नजारा देख सन्न रह गए और कुछ पेड़ों की जड़ों के बचे अवशेष से अवलोकन कर पेड़ों की प्रजाति के बारे में जानना चाहा तो अधिकतर पेड़ों की जड़ें जेसीबी मशीन से उखाड़ कर फेंक दिया गया था जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ नीम और जामुन ढाक व अन्य पेड़ों की जड़ों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वही बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिन्हें वन विभाग के द्वारा लगाया गया था, उनका कोई अतापता नहीं चल सका। बताया जाता है कि उसमें सैकड़ों पेड़ ऐसे थे जो 5 साल से कम थे, जिनकी मोटाई बहुत कम थी, उन्हें जेसीबी से मिट्टी में दफन कर दिया गया जिनका कोई अता पता नहीं है। वही पीड़ितों ने बताया कि इस बाग से काटे गए मोटे पेड़ों को बगल के ही आराम मशीन पर उसकी चिराई की जा रही है। बातों का संज्ञान में लेते हुए तत्काल DFO उक्त स्थल पर पहुंच गए और देखा कि वह नीम के मोटे मोटे लपेटे आराम मशीन पर मौजूद मिली तथा आराम मशीन संचालक मशीन को खोल रहा
रहा था, देखते ही वह मौके से फरार हो गया। डीएफओ की नाराजगी के बाद मशीन को सील कर तथा मौके पर मौजूद लकड़ियों को भी सील कर दिया गया। भैया क्या मामला है ये पूरा? भैया मेरा नाम विकास सिंह है, घर बिजूरी है, जिला सुल्तानपुर पड़ता है। ये मेरी बाग है, पुस्तैनी बाग थी 20-22 बीघे की। यहाँ पर सीओ साहब बाग की जबरदस्ती मालियत लगवा दिए और कल पिछले तीन दिनों से यहाँ भीटी पूरा प्रशासन लेकर के, भीटी थाना लेकर के, इस देखिए बाग की पूरी नवयत बिगाड़ दिया यहाँ। और हम लोग यहाँ आते थे, प्रशासन हम लोगों को डांट के भगा देता था। क्या यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद रहता? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही सारा काम प्रशासन यहाँ बैठा प्रशासन बैठ के दो दिन तक बैठा हुआ था। कल हम लोग को जो है थानेदार भगा रहे थे, चकबंदी विभाग के ऊपर से आदेश लेके आओ तब जो है हम करेंगे। हमारे बार बार अनुरोध के बाद हमको दो दिन का मौका दीजिए, मैं इसको स्टे लेके आऊंगा। मैं स्टे के लिए पहुंचा एसओसी साहब के पास, एसओसी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं ऊपर से या दबाव है, मैं स्टे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरी कहीं इस पर सुनवाई नहीं हुई है। मैं यहाँ पे पिछले तीन दिनों से भैया दो दो जेसीबी लगा करके पूरे बाग की मनौवत बिगाड़ दी गई है। ऊपर के अधिकारियों से आपने कंप्लेंट नहीं किया? ऊपर के अधिकारियों से मैंने बार बार अनुग्रह किया, निवेदन किया कि सर गलत हो रहा है, इसको रोकिए। उन्होंने कहा मुकदमा चल रहा है। मुकदमा जेसीबी चल रही तब इसके बाद जेसीबी के लेके आए, उसके बाद उनके पास असलहे लाइसेंसी असलहे थे, लाइसेंसी असलहे निकाल करके बता दिया कि यहाँ अगर कोई आता है तो दाग दिया जाएगा। हम लोगों को धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। अवैध दोनों लाइसेंस असलहा लेकर के यहाँ प्रदर्शन हुआ पूरी भीटी फोर्स की मौजूदगी में हमारी कोई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री तक अपना दरवाजा खटखटाऊंगा। हम आप लोगों के, आप हमारे भाई बंधु हैं, मीडिया का सहारा लेकर के मैं इसको मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचना चाहता हूँ। और धमकी कौन दे रहा था? धमकी दुष्यंत सिंह, लड्डा सिंह, दयाशंकर सिंह, राम मिलन सिंह उनके पिता हैं, वो राइफल लेके आए थे यहाँ पे जान मारने के लिए। ओम प्रकाश क्या धमकी दे रहे थे? जान, अगर इसका कब्जा रुका तो मैं जान से मार दूंगा आप लोगों को। आपने इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत पूरा प्रशासन बैठा था, मैंने 112 नंबर डायल किया, 112 नंबर की पुलिस आई, हमने 1076 पे कॉल करके अपना दर्ज करा, बयान दर्ज कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। 112 नंबर आई थी, वो मिलके जो है बोली है थानेदार यहाँ पे है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। देखिए आज प्रातः जो है सो लगभग 11:30 बजे मुझे मेरे फोन पर यह सूचना दी गई कि भीटी विकास खंड के ग्राम पंचायत की छोटी में हरे वृक्ष कट रहे हैं, और वीडियो भी कुछ आया था। वीडियो में यह दिखाया गया कि वर्दी में कुछ स्टाफ वहाँ बैठे हुए हैं। ये वीडियो में दिखा है, वर्दी में कुछ स्टाफ हैं। हमने पता किया तो वो स्टाफ वन विभाग के नहीं थे, शायद पुलिस विभाग के थे। तो हमें लगा जो पुलिस विभाग के सामने क्यों हल्ला हो रहा है। फिर जैसे ही हमें सूचना मिली कि पेड़ कटने कट रहा है या कटा जा चुका है या कुछ वहाँ पर हो रहा है, हमने तत्काल जो है सो अपने SDO साहब और अपने रेंजर साहब को मौके पर भेजा, और मैं खुद भी मौके पर आ गया क्योंकि बाघ का मामला था, ऐसा आ रहा था जैसा वीडियो मैंने देखा कि कुछ अवैध कटान हुआ है। हम मौके पर आए और फिर हमने काफ़ी छानबीन किया तो वहाँ पर जेसीबी से जो है सो गड्ढों को खोद दिया गया है। तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने पेड़ कटे हैं, लेकिन आसपास जैसे पेड़ थे उससे हमने उसमें कुछ जड़ खोजने की कोशिश की। तो मौके पर हमें दो नीम के पेड़ के थोड़े से अवशेष मिले, ढाक मिला, लेकिन ढाक तो प्रतिबंधित प्रजाति का नहीं है, छूट की श्रेणी मार है। तो दो नीम और एक जामुन का अवैध कटान वहाँ पर हमें मिला। वृक्ष और भी कटे होने की संभावना हो सकती है क्योंकि वहाँ पर गड्ढे से जेसीबी का प्रयोग करके गड्ढे से पौधों को वृक्षों को निकाला गया। इसके बाद बगल में ही एक अवैध आरा मशीन चलने की भी सूचना ग्रामीणों ने दी, और हम लोग अभी वहीं पर हैं और उस अवैध आरा मशीन को डिसमेंटल करने की कार्रवाई हो रही है, और जो भी उसमें जो भी प्रकाष्ठ हैं सबको हम धारा 52 के तहत सीज करेंगे। तो कार्रवाई चल रही है। हाँ, इसमें आगे जैसे जैसे सबूत आएंगे तो उसे भी जांच में लिया जाएगा। BCN न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट। और यह धन्ना सेट उठा रही, इसका फायदा दिन दहाड़ी नाबालिग की पकड़ करने वालों पर फुफन पुलिस है मेहरबान। मामला जनपद और अरैया के फुफन दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत और ब्लॉक भयानगर से सटी गांव का है। जो दिनांक 9 जुलाई को प्रातः लगभग 10:30 बजे अपने गांव झावरपुरवा से 1 किलोमीटर दूर वरुआ गांव आटा चक्की पर गया हुआ था,
जिस पर पहले से लगाए बैठे खाद छैल बिहारी कुशवाहा कल्लू कुशवाहा व एक अन्य व्यक्ति निवासी दौलतपुर ने मोहित की पकड़ करने की नियत से अपने पास बुलाया तथा उसे बुलाने के उपरांत जबरदस्ती पकड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाने लगी, जिससे मोहित को कर्नाटक ले जाकर ठेला या कोई अन्य काम करवाने के लिए वह पकड़ करने मकसद से आया था, जिस पर नाबालिग मोहित ने मना किया तो उसे मारने पीटने लगी, जिससे वह रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आटा चक्की से कुछ लोग दौड़े कि क्या मामला है, लेकिन लोगों को अपनी ओर आता देखकर उक्त अपराधीगण छैल बिहारी व एक अन्य व्यक्ति वहां से भाग खड़े हुए, जिससे मोहित बच गया। नहीं तो आज नाबालिग मोहित धन्ना सेठों के जाल में फंसकर रह जाता। और जब मोहित ने यह देखा कि गांव के लोग आ गए तो मोहित रोते हुए उन्हें सब बात बताने लगा तथा फिर वह दौड़ता व रोता हुआ अपने गांव अपने परिवारजनों से बताया। तब सारे परिवारजन मोहित को लेकर वरवा गांव आटा चक्की पर पहुंचे तो पता चला कि पकड़ करने आए दो लोग मोहित को जबरदस्ती पकड़कर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन मोहित की सूझबूझ से वह बच गया। नहीं तो आज वह किसी धन्ना सेठ की गुलामी करता नजर आता तथा इस संबंध में मोहित के परिवारजनों ने लिखित एप्लीकेशन फुकन थाने में दी थी, लेकिन जब फुकन पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई इस मामले के अंतर्गत गिरफ्तारी की जा रही है। बेटा यहाँ क्या करने आए थे तुम? बता बता पूरी बात। पैसा कुन के यहाँ आए थे आप? चक्की के डिंगा कुन ने भेजा था तुम्हें? अच्छा अच्छा, कुन कुलदीप ने। तो यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? छेड़गारी पकड़ने आए थे? अच्छा अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें क्या किया, जबरदस्ती पकड़ रहे थे का? तो मारो हुई है। पहले कितने दिन पकड़ कर रखो? पहले तुम्हें कब मारा था? पहले हम गए तब घर मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, अबे डरवाए थे ना? तो अबे अबे जबरदस्ती कर रहे हो तुम, और क्या करो? हैं अबो मारो है। अच्छा, और क्या साइकिल छुड़ाई ली थी? जब छुड़ाया किसने तुम्हें? चक्की वाले ने। बीसीएन न्यूज के लिए औरैया से राजकिशोर पोरवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों तहसील पर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम करने लगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों व समर्थकों पर हमला के साथ नामांकन पर्चे फाड़ने की कृत्य किए गए हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने कहा कि सरकार ने सैकड़ों ब्लॉकों में नामांकन करने ही नहीं दिया गया। 10 जुलाई को भी मतदान के दिन भी भाजपा छलबल से जीतने में लगी रही और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों उनके समर्थकों को मारा पीटा गया। पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी व विपक्ष के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा से लोकतंत्र शर्मसार हुआ और कलंकित हुआ। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में डबल इंजन की सरकार द्वारा की गई प्रायोजित हिंसा ने भारत के संविधान को नजरअंदाज करते हुए हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही से कई कदम आगे निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक तहसील पर आज ये धरना प्रदर्शन इस बीजेपी के जो संविधान को कुचलने का काम कर रही है, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार और चुनावों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में जो गुंडा राज बिल्कुल गुंडागिरी खुलेआम हुई है, उसके विरोध में आज ये पूरे प्रदेश में प्रत्येक तहसील पर एक धरना प्रदर्शन है और आज हापुड़ में भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसी को लेकर जो यहाँ लोग समाजवादी पार्टी के लोग सभी काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं। मामला है पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आज सरेआम भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नाकार सरकार बाबा की जो है चिलम के नशे में रहकर प्रदेश की जनता का घोर उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अपमान किया जा रहा है। यहाँ तक कि हद तब हो जाती है कि जब पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है, जब पुलिस कर्मियों के पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही है, सरेआम वोटों के साथ लूटमार की गई है, उस सारे लोकतंत्र की हत्या को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कॉल किया है। ये कॉल आया है कि पूरे प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन इस विषय में दिया जा रहा है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, क्योंकि उनकी नज़रों में पुलिस प्रशासन का अपमान, खाकी वर्दी का अपमान होना
मैं समझता हूं कि निराधार है, जिसको लेकर उन्होंने इस बात को घोषित किया और ये धरना प्रदर्शन किया। आगे को अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर करती है सरकार तो हम निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। गरीबों का अगर अपमान होता है तो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और गरीबों के साथ अगर दुराचार होता है तो निश्चित तौर पर हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि नारी का भी अपमान हुआ है। जो सरकार कहती है नारी बचाओ, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देने वाली सरकार है, आज उसने पूर्ण रूप से नारी का अपमान करने का काम, पत्रकारों को पीटने का काम, पुलिस अधिकारियों को पीटने का काम, और हद तब हो जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित नेता हाथों पे बम लेकर भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पे हमला कर रहा है। ये सारी चीज़ें निंदनीय हैं और मैं समझता हूँ इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए और लोकतंत्र की हत्या रोकने से हम लोगों को सड़क पर आना जरूर पड़ेगा और हमें अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। अखिलेश BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या की विरोध और बढ़ती महंगाई ध्वस्त कानून, नौजवानों की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, काला कृषि कानून व सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तहसील शाहगंज मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई द्वारा कई कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। शाहगंज SDM राजेश कुमार वर्मा को इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया। सरकार को छिपाने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। 2022 क्या रणनीति रहेगी, क्या प्राथमिकता है? जनता के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। जी आपकी सरकार जब आएगी तो पत्रकारों के लिए क्या हानि करेगी? पत्रकारों का जो उत्पीड़न करने वाला चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे गुंडा हो, उसके खिलाफ शिक्षा के आधार पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार पत्रकारों से इतना डरती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर पत्रकार दीर्घा जब से विधानसभा का गठन हुआ तब से पहली बार योगी जी की सरकार ने उस पत्रकार दीर्घा से पत्रकारों से डर कर उनको बाहर कर दिया। यहाँ तक कि सेंट्रल हॉल में पत्रकार बैठते थे, वहाँ से भी पत्रकारों को हटाकर तिलक हॉल में भेज दिया। इतना पत्रकारों से नफरत करने का काम जो कि सरकार करती है। पन्नारा को मोदी जी आधार है, मेडिकल कॉलेज की बात कर की जा रही है, क्या वो कर रहा है मेडिकल कॉलेज से? सपा के मुखिया जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री को गुमराह करने का काम किया है। जब एक सरकार अपने ही प्रधानमंत्री को गुमराह कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का काम और क्या? पत्रकारों को आर्थिक सहयोग के बारे में सपा क्या करेगी? जब जब समाजवादियों की सरकार आई है तब तक पत्रकारों का सबसे ज्यादा सहयोग समाजवादी सरकार ने किया। आर्थिक रूप से भी हर तरह से उनके आवास का भी उनकी तमाम सुविधाओं का इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर जो हो रहा अत्याचार हो रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना पत्रकारों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जब सरकार ने उनको सदन के अंदर जो पत्रकार दीर्घा से भगा देने का काम किया, सेंट्रल हॉल से हटा देने का काम किया, ये कहीं दिखाई न दे हमारी बात कहीं कह न पावे, उसमें किस तरह की दुर्भावना सरकार रखी? जब सरकार दुर्भावना रखेगी तो सरकारी अधिकारी और उनके गुंडे भी रखेंगे। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी आपको सुरक्षा और संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कला में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ADM की क्या भूमिका थी? ADM ने मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ADM राजकुमार द्विवेदी जो बेईमान प्रवृत्ति का अफसर है जिसने SDM रहते हुए फूलपुर में बड़ी बेईमानी की है, जिसके ऊपर FIR हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अफसर को जिलों में नहीं रहना चाहिए बल्कि जेल में। हमीरपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता कार्यालय से तहसील जा रहे थे तभी रास्ते में पुलिस ने सपाइयों को बैरिकेड लगाकर रोक लिया और सपाइयों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को अस्थायी जेल पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस ने बंद कर दिया। वही छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पिंटू यादव को पुलिस ने घर पर ही इस दौरान नजरबंद कर रखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय में आज सपाइयों ने भाजपा सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर पुलिस सुबह से ही चप्पे चप्पे पर तैनात थी। सपा कार्यालय से निकलते ही पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में तहसील जा रहे सपाइयों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर सपाइयों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का मुक्की हुई। पूरे जिले से इकट्ठा हुए सपाइयों को पुलिस परेड ग्राउंड में बंद कर दिया। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर छात्र संघ की जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव को पुलिस ने सुबह से ही घर पर नजरबंद कर रखा था।
प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे, तो वही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के साथी धरना और प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने का आज कार्यक्रम था और हम लोग आज हमीरपुर तहसील में आकर के यहाँ पर ज्ञापन सौंपने का काम किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अराजकता का जो माहौल है, जो अभी जिला पंचायत से लेकर के ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए, बड़े भारी पैमाने पर जिस तरीके से उन लोगों ने तानाशाही गुंडागिरी करके पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम खराब कर दिया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी इस सरकार ने, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने बदतमीजी करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ बचा नहीं है। आज खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग पूरी तरह से बौखला गए हैं और इन्होंने तब जा करके प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं और प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डीएम और एसपी, खासतौर से हम कहना चाहते हैं ये पूरे से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं और ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, पूरी के पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, बढ़ती महंगाई से लेकर के इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती, हम लोग तहसील जा रहे थे रोकने का काम किया, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे एक आए। देखिए जिस तरीके से भाजपा की तानाशाही सरकार ने गुंडागर्दी की, आतंक की चरम सीमाएं पार कर दी है, लगातार महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, उसी के खिलाफ में पेट्रोल डीजल और जो इन भाजपा की गुंडागर्दी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने तानाशाही किया, जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी से चुनाव कराया, इसी के खिलाफ आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे और इसी लिए हमको सुबह से नज़रबंद कर रखा है मेरे घर पे, लगातार बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। किसने नज़रबंद किया और कौन करेगा, प्रशासन करेगा और कौन कर सकता, तब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जाके वहाँ पर ज्ञापन दें और फिर चाहे जो कुछ करना पड़े। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में गुरुवार को 11 बजे से उरई तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा के निर्देशन पर जिला अध्यक्ष पृथ्वी सिंह यादव की तरफ से कार्यकर्ता को निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष पृथ्वी सिंह यादव के नेतृत्व में पूरी टीम धरनास्थल पर मौजूद रही। अपने संबोधन में पृथ्वी सिंह यादव ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई को रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है, कोरोना संक्रमण को भी रोक पाने में सरकार सफल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सरकार के इशारे पर सत्ता का दुरुपयोग किया गया तथा बड़े पैमाने पर हिंसा कराई गई। वही सपा के इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। बीसीएन न्यूज के लिए जालौन से संवाददाता की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं बिहार की खबरों की ओर। बलरामपुर प्रखंड के सहगांव पंचायत के जयपुर का गांव के विजय प्रसाद यादव जयपुरा चौक में एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं, जिसमें रिपेयरिंग भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचते हैं। बीती रात दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। विजय यादव के अनुसार उनकी दुकान में रखा कंप्यूटर, 15 से अधिक नया मोबाइल, 18-19 पुराने रिपेयर के मोबाइल, मोबाइल के कीमती पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आदि सामान की चोरी हुई है, जिन सभी सामानों की कीमत लगभग 4 से 5 लाख का अनुमान लगाया है। पीड़ित विजय यादव और उनके परिजन बताते हैं कि दुकान के लिए 6 साल पहले वो SBI तेलता से 7 लाख का लोन लिए थे, जिससे वह ये धंधा कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन चोरों ने दुकान का सभी सामान साफ कर दिया। चोरी की घटना की खबर सुनते ही आसपास के दर्जनों लोगों की भारी भीड़ लग गई। चोरी की घटना को लेकर स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार यादव ने पुलिस की लापरवाही बताया है। इनका कहना है कि पुलिस रात्रि गश्त नहीं करने की वजह से चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है। वही शराबबंदी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि शराब की खुलेआम बिक्री से चोर शराब के नशे में चोरी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं।
स्थानीय गणमान्य सुभाष चंद्र इजहार अशरफ का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से लगभग 30% लोगों का हालत काफी दयनीय हो चुका है, जिससे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये लोग चोरी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। सबर में बाबूजी आके जो दुकान में चोरी हो गया, तो हम पहले आके दुकान में ये देखे, जो हमको कस्टमर देता है मोबाइल ठीक करने के लिए, हम पहले कस्टमर का मोबाइल देखते हैं, तो 20-25 में से एक भी मोबाइल नहीं है, क्योंकि कस्टमर का वो मेरा अपना मोबाइल नहीं है। उसके बाद हुआ क्या, जो देखना है, जो मेरा कंप्यूटर CPU ये सब भी लेके चल गया, उसके बाद कैश था, कैश भी लेके चल गया। उसके बाद कैश कितना था? कैश था 10-15 हज़ार। उसके बाद जो मोबाइल का फोल्डर वगैरह, हम दलकुड़ा से गली लाए थे 35 हज़ार का, वो जो मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है वो बड़ा मोबाइल का, वो भी नहीं है। उसके बाद जो मोबाइल का कवर होता है, मेन बैटरी वगैरह, MI ओप्पो वीवो सब भी नहीं है। और जेरोक्स मशीन को छेड़छानी किया, वो लेके नहीं किया, लेकिन उसको नुकसान किया। ये खराब है क्या? हाँ। तो कितने का सामान लेके गया आपका? उसे मोटा मोटे 4-5 लाख का हुआ। 4-5 लाख का? हाँ। सब मोबाइल का जो सामान, मोबाइल का सामान थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये फोल्डर का दाम है 200 रुपये, मतलब 200 से लेकर 1800 तक है, 1800-2200 है। उसके बाद ये जो कस्टमर मोबाइल जो ठीक करने दिया था, कोई 6000 का था, कोई 12000 का था, कोई। BCN न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन BSNL जिला शाखा भागलपुर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित BSNL कार्यालय से प्रदर्शनकारी दूरसंचार केंद्र तक एसोसिएशन के जिला सचिव प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्री और दूरसंचार मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का साफ आरोप है कि निजीकरण करने को लेकर सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार BSNL को 4G स्पेक्ट्रम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही, जबकि BSNL को 5G में भाग लेने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और BSNL के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों को पेंशन संशोधन के बाद का भुगतान और मेडिकल की भी सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करते हुए वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोगों ने आज जो है ये प्रदर्शन का कार्यक्रम लंच आवर में रखा है। सबसे पहले हम लोग का 4-5 प्रमुख मांग है कि सबसे पहले कि BSNL को 4G स्पेक्ट्रम जल्द से जल्द मुहैया कराना है और प्लस 5G में हम लोग को पार्टिसिपेशन करने के लिए नहीं दिया जा रहा, जबकि अन्य सारे कंपनियों को 5G के लाइसेंस के लिए सरकार ने आमंत्रित कर रखा, लेकिन BSNL को 5G स्पेक्ट्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपने अभी तक हमको 4G स्पेक्ट्रम पूर्ण रूप में नहीं दिया है, 5G में हमको पार्टिसिपेशन करने नहीं दे रहे हैं, मार्केट में जो प्राइवेटाइजेशन आपने करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा जो है बाजार से हम बाहर होते जा रहे हैं और सरकार उदासीन पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका हम लोगों ने विरोध कर रहा। सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल को लेकर के सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हम जो कमा करके 16,000-17,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन के मद में 3,500 करोड़ रुपया खर्च होना है, 350 करोड़ रुपया खर्च होना है और 16,000 करोड़ हम कमा करके दे रहे हैं, तो फिर हमारा वेतन जो है अनरेगुलर क्यों हो रहा है, इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। और साथ ही साथ कर्मचारियों का IDA का मामला है, कर्मचारियों के मेडिकल के मामला है, कर्मचारियों के पेंशन संशोधन का मामला है, कई विभिन्न प्रकार के मुद्दे हम लोगों को निरंतर कर्मचारी संगठन के माध्यम से हमने सरकार के पास उठाया है, लेकिन सरकार उदासीन पूर्ण रवैया अपना करके इसको निजीकरण के हाथ में बेचना चाहती है, जिसका हम लोगों ने पूर्ण जोर विरोध किया है। आज उसी के एवज में हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है। अगर सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम लोग भूख हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए हम बाध्य हैं और ये सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संचार मंत्री की होगी और हम पुरजोर विरोध करते हैं, तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक हमें 4G और 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है। मैं जिला सचिव प्रशांत कुमार सिंह, भागलपुर, बिहार। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। BCN न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।